और आज पूरे तेलंगाना की जनता ये देख रही है कि जो इसी समाज को धोखा देता है वो घर में बैठता है। आज केसीआर ने जिस प्रकार से तेलंगाना की जनता को धोखा दिया, आज फार्म हाउस में चुप कर बैठा है। और केसीआर ने हार के बाद में कोई प्रेस मीट नहीं लगाई और ना ही केसीआर को मिले से वोटों के लिए वोटर्स को धन्यवाद कहा। तेलंगाना की जनता देख रही है और बहिष्कार किया है केसीआर का, उसके परिवार का, उसकी पार्टी का। आज रेवंत रेड्डी जी शायद आज कल में मुख्यमंत्री डिक्लेयर होंगे, 7 तारीख को शपथ है ऐसा मैंने सुना है। रेवंत रेड्डी से निवेदन है कि आपका एक हामी था, आपका एक वादा था कि केसीआर की स्कीमों को हम और इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको स्ट्रांग करेंगे। तो रेवंत रेड्डी जी, हमने, हमारी पार्टी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केसीआर को नहीं छोड़ा, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। दलित समाज को अगर कोई भी धोखा देगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, ये बात हमारे रेवंत रेड्डी जी ध्यान रखना। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी को सारी दुनिया तो जानती है, लेकिन और जानने और पहचानने में अगर किसी ने कार्य किया है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। पंचतीर्थ का निर्माण किया, 5 जगहों पर उनको इतिहास को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, दिल्ली में भी एक नेशनल अकेडमी का निर्माण किया। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने अम्बेडकर जी के जो इतिहास को जितना प्रचार करना था उन्होंने किया है। और एक तरफ कांग्रेस, जिन्होंने कभी भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मान सम्मान नहीं दिया, ये जनता जानती है, समझती है। बहुत दिन कांग्रेस का राज तेलंगाना में नहीं रहेगा, बहुत से बहुत 6 महीने, बहुत से बहुत 1 साल। उसके बाद में जिस प्रकार से कर्नाटक में कांग्रेस का असली चेहरा कर्नाटक की जनता ने जाना है, उसी प्रकार से तेलंगाना की भी जनता जान लेगी कि ये जो इनका मैनिफेस्टो था, जो 6 इनके वादे थे, ये झूठे हैं और इनके वादों में हम लोग ट्रैप हो गए। तो आने वाले समय में तेलंगाना राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। और आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी की इस पुण्यतिथि पर जितने भी हमारे भाई बंधु भारतीय जनता पार्टी के अधिकार गण पधारे हैं, उनको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जय भीम।